हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ चुका हूँ आपके लिए बॉक्स वॉल ऑफ स्टेशनरी कलेक्शन का वीडियो लेके गाइस। और आज की वीडियो ना काफी अमेजिंग और काफी यूनिक होने वाली है, क्योंकि गाइस इस बॉक्स में है गाइस हमेशा की तरह डिफरेंट डिफरेंट और यूनिक यूनिक स्टेशनरी आइटम। दोस्तों बिना स्किप करे पूरी वीडियो एंड तक देखना, फिर आप मुझे बताना आज का कलेक्शन आपको कैसा लगा गाइस। वीडियो अच्छे लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच फैमिली की तरफ से। तो चलो फटाफट आज इस बॉक्स को खाली करते हैं, देखते हैं दोस्तों आज इस बॉक्स में हमें किस तरह स्टेशनरी आइटम मिलते हैं और क्या क्या चीजें मिलती है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, इसके अंदर मिलता हमें एक फ्लावर, ये देख सकते हो फ्लावर मिलता है, ये काफी सुंदर सा फ्लावर है। और दोस्तों ये फ्लावर नहीं है, ये है फ्लावर वाला पैन, वो कैसे चलो दिखाता हूं। तो आगे दोस्तों हमें ढक्कन मिलता है, ढक्कन को खोलते हैं तो देख सकते हो इसकी टिप कितनी पतली है, और चलाते हैं इस पैन को तो देखो दोस्तों कितना जबरदस्त और कितना अमेजिंग चल रहा है ना, काफी जबरदस्त। और इस फ्लावर वाले पैन से मैं कुछ भी लिख रहा हूं तो देखो दोस्तों कितना जबरदस्त लग रहा है। तो आपको ये फ्लावर वाला पेन कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, एक गेमिंग कंसोलर सेट। और ये दोस्तों गेमिंग कंसोलर सेट नहीं है, ये है एक शार्पनर, ये देख सकते हो अंदर शार्पनर दिख रहा है। होल कहां मिलता है दोस्तों हमें, तो ये देखो दोस्तों होल तो इधर मिलता है, इधर से दोस्तों हम पेंसिल को डालेंगे फिर पेंसिल को शार्प करेंगे। और इसके अंदर का शार्पनर दिखाता हूं तो कैसी क्वालिटी है, तो ये देख सकते हो अंदर का शार्पनर कितनी अच्छी क्वालिटी का है दोस्तों। तो आपको ये गेमिंग सोलर वाला शार्पनर सेट कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक सनफ्लावर दोस्तों, ये देख सकते हो सनफ्लावर। और ये सनफ्लावर नहीं है दोस्तों, ये भी एक शार्पनर सनफ्लावर वाला, ये देखो दोस्तों है ना काफी सुंदर। और अंदर कैसे हमें शार्पनर मिलता है तो ये देख सकते हो अंदर हमें काफी अच्छी क्वालिटी का शार्पनर मिल जाता है, काफी सुंदर शार्पनर है दोस्तों, काफी डिफरेंट है और काफी अच्छा भी लग रहा है। तो आपको ये सनफ्लावर वाला शार्पनर कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलो साइड और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें एक पाउच मिलता है, और इस पाउच में तो दोस्तों हमें मिलते हैं मैथमेटिक इंस्ट्रूमेंट सेट। ये देख, चलो पाउच को ओपन करते हैं, देखते हैं कितने हमें इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट सेट मिलते हैं। तो ये देख सकते हो, ये देखो दोस्तों, ओह वाओ काफी अमेजिंग, ये देख सकते हो काफी अच्छी क्वालिटी के दोस्तों हमें मैथमेटिक इंस्ट्रूमेंट मिल गया। और रूलर देख सकते हो कितने अच्छी क्वालिटी का दोस्तों हमें रूलर मिला है, और टोटल 18 सेंटीमीटर का दोस्तों हमें रूलर मिला। और रूलर पे दोस्तों हमें कुछ मोल्ड्स भी देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, और पाउच की क्वालिटी काफी जबरदस्त है। इस पाउच में दोस्तों हम इंस्ट्रूमेंट के अलावा कुछ और चीजें भी रख सकते हैं दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, ये क्या है दोस्तों, ये रॉकेट लुक में दोस्तों क्या है। तो चलो ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलता है। तो ये देखो दोस्तों ये है एक इरेजर, ये देख सकते हो कितना बड़ा इरेजर, और क्वालिटी देखो दोस्तों इरेजर की कितनी अच्छी है, काफी अमेजिंग दोस्तों। और क्या मिलता है इसके अंदर, तो ये देखो दोस्तों इसके पीछे दोस्तों हमें दो दो शार्पनर मिल जाते, एक छोटा शार्पनर एक बड़ा शार्पनर भी मिल जाता है, ये देख सकते हो शार्पनर, शार्पनर की क्वालिटी काफी जबरदस्त है दोस्तों। मैं आपको बता दूं छोटा शार्पनर होता है दोस्तों हमारी कलर पेंसिल को शार्प करने के लिए, और बड़ा शार्पनर होता है हमारी एचबी पेंसिल को शार्प करने के लिए दोस्तों। तो रॉकेट वाला इरेजर और शार्पनर सेट आपको कैसा लगा, प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो ये देखो दोस्तों हमें इसके अंदर मिला एक रिंग सेट, ये देख सकते हो, और कितने रिंग मिले इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 7 रिंग मिले। और ये रिंग देखो दोस्तों कितना प्रिटी लग रहा है, कितना अमेजिंग लग रहा है, देख सकते हो कितना जबरदस्त लग रहा है। और ये गिटार वाला रिंग है, और ये देख सकते हो एप्पल वाला रिंग, ये देख सकते हो स्टार वाला, और ये देखो रैबिट वाला रिंग देख सकते हो कितना अमेजिंग। और रैबिट के कान पे देखो दोस्तों लव भी लिखा है। तो आपको ये रिंग सेट ऐसा लगा, और इन रिंग सेट में सबसे अच्छी रिंग आपको कौन सी लगी, साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला दोस्तों, ये क्या है, तो ये है दोस्तों डुअल हेडेड इरेजेबल हाइलाइटर सेट। ओहो वाओ, यानी इरेज होने वाले हाइलाइटर मिलते हैं दोस्तों इस बॉक्स के अंदर। चलो देखते हैं हाइलाइटर को निकालते हैं, देखते हैं हाइलाइटर कैसे चलते हैं और कैसे इरेज होते हैं। तो एक हाइलाइटर को निकाल लेते हैं, देख सकते हो एक साइड तो दोस्तों हमें हाइलाइटर मिल जाता है दोस्तों, हाइलाइटर टिप है, और एक साइड दोस्तों हमें मिलते हैं इरेजर टिप, ये देख सकते हो इरेजर टिप। चलो अब इनका यूज करके भी दिखाता हूं। तो आगे वाले ढक्कन को ओपन कर लिया और हाइलाइटर चलाया, तो ये देख सकते हो हाइलाइटर चला लिया हमने अच्छे से, देख सकते हो। और फिर अब इन्हें मिटा के देखते हैं ये हाइलाइटर मिटते या नहीं मिटते, और कैसे मिटते ये भी देखते हैं। तो पीछे वाले ढक्कन को ओपन किया, चलो हाइलाइटर मिटाते हैं। तो ये देखो दोस्तों कितने इजीली से हाइलाइटर मिट गए यार, ये तो काफी अच्छे क्वालिटी का दोस्तों हाइलाइटर है, इरेजेबल हाइलाइटर है दोस्तों। तो आपको कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चल साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, ये क्या, एक मिक्की माउस का फेस, ये देखो दोस्तों मिक्की माउस का फेस मिला। और ये मिक्की माउस का फेस नहीं है दोस्तों, कुछ और है इसके अंदर हमें मिलता है। तो इसके अंदर दोस्तों मिलता है हमें शार्पनर, ये देखो दोस्तों मिक्की माउस के फेस के अंदर दोस्तों हमें मिल जाता है शार्पनर। अरे वाह
काफी पिटी, काफी अच्छा लग रहा है, काफी प्यारा लग रहा है। देखो दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों, मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है। चल साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों एक रेनबो, और ये रेनबो नहीं है दोस्तों, ये है रेनबो वाला पैन। ओहो वाओ, चलो ढक्कन ओपन किया, ये भी काफी मोटी है दोस्तों। और ये पीछे देखो दोस्तों रेनबो बना हुआ है जो काफी अमेजिंग लग रहा है दोस्तों, जो काफी गुड लुकिंग बना रहा है पैन को। और आपको ये रेनबो वाला पैन कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, एवोकाडो वाला क्या सेट है, कैसे सेट है, चलो देखते हैं, निकालते हैं बॉक्स से और निकालते हैं एवोकाडो को। और वैसे तो दोस्तों मुझे ये तो हाइलाइटर लग रहे हैं वैसे देख के, क्योंकि इसमें तीन कलर मिले हैं, इन कलर से पता चल जाता है इनके अंदर हाइलाइटर है। चलो देखते हैं हाइलाइटर या कुछ और है। तो ये देखो दोस्तों ये तो हाइलाइटर है दोस्तों एवोकाडो वाले, और ये देखो दोस्तों कितने अच्छे चल रहे हैं, काफी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों एवोकाडो वाला हाइलाइटर मिल जाता है। और ये है कैप, और इसे भी ओपन किया तो ये देखो दोस्तों टोटल हमें इसके अंदर तीन हाइलाइटर मिल जाते हैं। सबसे अच्छा ये देख सकते हो इसका कैप भी कितना जबरदस्त है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, एक यूनिकॉर्न का पेंसिल बॉक्स है, देख सकते हो इस पे यूनिकॉर्न के घोड़े का कितना अच्छा डिजाइन बना हुआ है, देख सकते हो काफी जबरदस्त। और फ्रंट में दोस्तों हमें दो शार्पनर मिल जाते हैं, ये देख सकते हो एक छोटा शार्पनर एक बड़ा शार्पनर भी मिल जाता है। चलो ढक्कन ओपन करते हैं देखते कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन किया तो देख सकते हो एक कंपार्टमेंट है, और इस कंपार्टमेंट में दो सेक्शन है, और एक सेक्शन में दोस्तों हमें एक दो तीन चार पांच पांच पेंसिल लॉक वाला एक पेंसिल लॉक मिल जाता है दोस्तों, स्पेस काफी अच्छा है। इसे बंद करते पीछे वाले ढक्कन को ओपन करते देखते कितना स्पेस है। पीछे वाले ढक्कन को ओपन किया काफी अच्छा स्पेस है, और इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। ये यूनिकॉर्न का मिनी जंबो ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, चाकू, ये देख सकते हो कितना सुंदर चाकू मिला। और दोस्तों ये चाकू नहीं है, ये है चाकू वाला पैन, वो कैसे चलो आपको दिखाता हूँ, और कहां से ओपन होगा ये भी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो सकते हो यहां से खींचेंगे वाले पार्ट को खींचा तो आगे से दोस्तों हमें पैन मिल जाता है, ये देख सकते हो ये टिप कितनी पतली है, चलाते हैं तो वॉल पैन है दोस्तों काफी सुंदर लग रहा है। और ये चाकू वाला पैन है काफी सुंदर सा। तो आपको कैसा लगा ये चाकू वाला दोस्तों पैन प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, इसके अंदर बर्गर मिला, फ्रेंच फ्राई मिला, ये देख सकते हो काफी अच्छी अच्छी चीजें मिली इसके अंदर। चलो देखते हैं ये क्या चीज है। तो ये तो मुझे जहां तक लग रहा है ये है इरेजर सेट, ये देख सकते एक बार निकालते हैं बॉक्स से देखते हैं इरेजर सेट है या कुछ और है। तो निकाल लिया और ये देखो दोस्तों ये कितनी बड़ी बड़ी इरेजर है यार, ये तो वाकई में काफी अच्छी इरेजर है। और क्वालिटी देखो दोस्तों इरेजर की कितनी जबरदस्त है, वाकई में काफी सुंदर है, देख सकते हो ये बर्गर वाला इरेजर साइज देख सकते हो कितना बड़ा साइज है, ये तो काफी जबरदस्त इरेजर है, काफी कलरफुल है और काफी मोटे मोटे इरेजर है, ये देख सकते हो ये तो काफी प्यारे है। और इन इरेजर को दोस्तों मैं अपनी छोटी बहन को दूंगा, वो तो आज बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी इन इरेजर को देख के। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक यूनिकॉर्न का सेट, और ये दोस्तों सेट क्या है, तो इसके अंदर दोस्तों हमें मिलेगा इरेजर, ब्रश और शार्पनर मिलेगा, यानी थ्री इन वन सेट है। तो ये देख सकते हो आगे का एक हमें ब्रश मिल जाता है, बीच में दोस्तों हमें शार्पनर मिल जाता है, और साइड में दोस्तों इरेजर मिल जाता है, ये देख सकते हो। शार्पनर की क्वालिटी दिखाता हूं, तो शार्पनर की क्वालिटी देख सकते हो कितनी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग दोस्तों थ्री इन वन सेट है। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों, और इस ज्योमेट्री बॉक्स में देखो दोस्तों हमें एक दो तीन चार चार ढक्कन मिलते हैं दोस्तों। चलो इन चारों ढक्कन को ओपन करते हैं देखते हैं कितना स्पेस मिलता है, और कितने कंपार्टमेंट मिलते हैं, चार कंपार्टमेंट मिलते हैं या उससे ज्यादा कंपार्टमेंट मिलते हैं या कम मिलते हैं। तो पहले ढक्कन को ओपन किया तो ये देख सकते हैं छोटा सा कंपार्टमेंट मिलता है, काफी अच्छा स्पेस है जिसमें हम अपना छोटा छोटा स्टेशनरी आइटम रख सकते हैं। बीच वाले ढक्कन को ओपन करते हैं, पीछे वाले ढक्कन को ओपन किया तो यहां देख सकते हो काफी बड़ा कंपार्टमेंट है, और इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। चलो साइड वाले ढक्कन को ओपन किया तो ये देख सकते हो यहाँ पे भी एक कंपार्टमेंट मिल जाता है। फ्रंट में दोस्तों हमें तीन तीन कंपार्टमेंट मिल जाते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में, ये तो काफी जबरदस्त है। चलो दोनों लॉक को ओपन करते हैं देखते हैं कितना स्पेस है। दोनों लॉक को ओपन किया ये देख सकते हो ट्रे है, ट्रे पे काफी अच्छा स्पेस है, ट्रे को हटाते हैं तो नीचे एक और कंपार्टमेंट मिलता है, ये तो काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है। इस ज्योमेट्री बॉक्स में टोटल हमें मिलते हैं पांच पांच कंपार्टमेंट दोस्तों। तो साइड रखते और देखते दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, एक यूनिकॉर्न की ज्योमेट्री बॉक्स, और इसका डिजाइन देखो दोस्तों कितना जबरदस्त है, कितना डिफरेंट टाइप का डिजाइन है दोस्तों इस ज्योमेट्री
ज्योमेट्री बॉक्स का। चलो ढक्कन ओपन करते हैं। ढक्कन ओपन करने से पहले देखो दोस्तों हमें यहाँ होल मिल जाता है, यानी ज्योमेट्री बॉक्स में दोस्तों हमें शार्पनर मिलेगा दोस्तों। चलो ढक्कन ओपन किया, ढक्कन ओपन करते हैं। कंपार्टमेंट है और इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें 1, 2, 3, 4, 5 पेंसिल लॉक मिल जाते हैं। दो छोटे छोटे सेक्शन मिल जाते हैं जिसमें गाइस हम अपनी इरेजर कुछ भी चीजें रख सकते हैं। यहाँ दोस्तों हमें शार्पनर मिल गया दोस्तों। चलो बंद करते हैं, पीछे वाले ढक्कन को ओपन करते हैं। पीछे वाले ढक्कन को ओपन किया, एक कंपार्टमेंट है और इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें टेबल देखने को मिल जाती है। देख सकते हो टेबल देखने को मिल गया, स्पेस भी काफी अच्छा है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा ज्योमेट्री बॉक्स में। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक कैमरा दोस्तों, और ये कैमरा नहीं है, ये है एक करेक्शन टेप। कैमरे लुक में दोस्तों करेक्शन टेप मिल गया, और सबसे अच्छी बात है इस कैमरे को हम काफी इजीली से कैरी करके चल सकते हैं दोस्तों। चलो ओपन करके देखते हैं इसके अंदर दोस्तों हमें कैसा करेक्शन टेप मिलता है। तो इसे ढक्कन को इस तरह ओपन किया, इसके अंदर ये देखो दोस्तों हमें मिलता है करेक्शन टेप। ये तो काफी अच्छी क्वालिटी है दोस्तों, हमें करेक्शन टेप मिल जाता है, काफी जबरदस्त है। और ऐसा तो लग ही नहीं रहा दोस्तों इसके अंदर हमें करेक्शन टेप मिलेगा, ऐसा लग रहा है दोस्तों कैमरा है। मुझे तो ये कैमरे वाला करेक्शन टेप वाकई में काफी जबरदस्त लगा। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें क्या मिला, एक बिस्किट दोस्तों, और ये क्रीम बिस्किट है। ओहो, ये बिस्किट नहीं है दोस्तों, ये है शार्पनर। ये देख सकते हो शार्पनर लिखा है, ये देखो दोस्तों। और इसके अंदर हमें होल मिल गया। होल में दोस्तों हम अपनी पेंसिल डालेंगे, फिर पेंसिल को शार्प करेंगे, और शार्पनर कैसा है चलो देखते हैं। तो ये देख सकते हो आगे का ढक्कन खोला, इसके अंदर हमें मिल जाता है शार्पनर। ये तो काफी अच्छा शार्पनर, काफी प्यारा है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक पेंसिल पाउच, ये भी काफी सुंदर पेंसिल पाउच है। और इस पेंसिल पाउच में देखो दोस्तों हमें एक छोटा सा पाउच मिल जाता है, ये देख सकते हो। और इस पाउच को तो दोस्तों हम बिल्कुल अलग भी कर सकते हैं पेंसिल पाउच से, देख सकते हो। और इस पाउच में दोस्तों हम अपना कुछ भी अपना छोटे छोटे स्टेशनरी आइटम रख सकते हैं, काफी अमेजिंग है। फ्रंट में दोस्तों हमें जिप मिल जाती है, ये देख सकते हो। टोटल वैसे इसके अंदर दोस्तों हमें 1, 2, 3 जिप मिलती है दोस्तों। फ्रंट वाली जिप को ओपन करते हैं, देखते कितना स्पेस है फ्रंट जिप में दोस्तों, काफी अच्छा स्पेस है दोस्तों। सेकंड जिप को ओपन करते हैं, सेकंड जिप में भी काफी अच्छा स्पेस लग रहा है मुझे तो, देख सकते हो काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारे स्टेशनरी आइटम हो जाएगा। इस कवर हटाते हैं, यहाँ दोस्तों हमें टेप मिलता है, स्टेप को हटाते हैं, स्टेप को हटाते हैं। यहाँ देखो दोस्तों हमें अंदर 1, 2, 3 पेंसिल लॉक मिल गए दोस्तों, ये तो काफी अमेजिंग। इसके अंदर दोस्तों हम अपनी पेंसिल या पेन को लॉक करके रख सकते हैं, ये तो काफी प्यारी पेंसिल पाउच है दोस्तों। मेन जिप को ओपन करते हैं, देखते कितना स्पेस है। मेन जिप को ओपन किया तो इसमें देख सकते हो काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाए। तो काफी प्यारी पेंसिल पाउच है, काफी सुंदर है दोस्तों। चल साइड रखते और देखते हैं दोस्तों हमें क्या मिलता है इसके अंदर। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें मिलते हैं एक यस की पेंसिल बॉक्स, और ये देख सकते हो कितना कलरफुल है, कितना अमेजिंग डिजाइन का दोस्तों 3D कलर में ज्योमेट्री बॉक्स है। जैसे मैं ज्योमेट्री बॉक्स को घुमा रहा हूँ वैसे वैसे इनका कलर चेंज हो रहा है, आप देख सकते हो काफी जबरदस्त है। यहाँ देख सकते हो पेंसिल का निशान बना है, इसे खींचते हैं देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो इसके अंदर दोस्तों हमें मिलता है शार्पनर, ये देख सकते हो शार्पनर मिल जाता है, काफी अच्छा क्वालिटी का दोस्तों शार्पनर मिलता है। और शार्पनर एक बार दिखाता हूँ आपको कैसा, तो ये देख सकते हो शार्पनर मिल जाता है, काफी सुंदर। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, देखते कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन किया तो यहाँ हमें काफी बड़ा पॉकेट मिल जाता है जिसमें गाइस क्लास शेड्यूल लिख के रख सकते हैं, और इस जगह गाइस हम अपना आईडी कार्ड भी लगा के रख सकते हैं। एक कंपार्टमेंट है और इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें पेंसिल लॉक मिल गया, और एक छोटा सा सेक्शन और मिलता है इस कंपार्टमेंट में जिसमें गाइस हम अपनी रेजर या कुछ भी चीजें रख सकते हैं, काफी अमेजिंग है दोस्तों। इसे बंद करते हैं, पीछे वाले ढक्कन को ओपन करते हैं। पीछे वाले ढक्कन को ओपन किया तो यहाँ पे भी एक सेक्शन है, इस सेक्शन में दोस्तों हमारा काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी सुंदर है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये क्या मिला, रोबोट चेंज कार। अरे वाह, काफी अमेजिंग 2-in-1 सेट है ये तो, और ये रोबोट वाली कार है, ओहो वो भी हल्क की गाइस। अरे वाह, चलो निकालते हैं बॉक्स से, देखते हैं कार कैसी है और कैसे रोबोट बनती है और कैसे चलती है दोस्तों। निकाल लिया बॉक्स, ये देख सकते हो कितनी अमेजिंग लग रही है, कितनी जबरदस्त कार लग रही है यार ये तो। और नीचे देख सकते हो यहाँ दोस्तों हमें ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, ये देख सकते हो। और ये है दोस्तों बैटरी कंपार्टमेंट, इसमें गाइस हम अपनी डबल ए की 3 बैटरियां लगाएंगे दोस्तों। चलो फटाफट बैटरी लगाते हैं और देखते हैं कार कैसी चलती है और कैसे ये बनता है रोबोट ये कार। चलो फटाफट इसमें बैटरी लगा लेते हैं, और ये देखो दोस्तों इसमें मिलते हैं नीचे हमें 360 रोटेट होने वाले व्हील जिससे ये गोल गोल घूमेगी कार। तो फटाफट पहले तो इसके अंदर बैटरी लगाते हैं, फिर देखेंगे कार कैसे चेंज होगी रोबोट में। फिलहाल तो हमने इसके अंदर बैटरी लगा दिया, डबल ए बैटरी लगती है, मैं आपको दिखा दूं इसके अंदर देख सकते हो डबल ए की 3 बैटरियां लगती है, हमने बैटरी लगा दिया। अब ऑन करते हैं बटन को, देखते हैं ऑन करते क्या होता है। ऑन कराया तो व्हील घूमने लग गया 360, और यहां देख सकते हो लाइट जलने लगी और पीछे भी दोस्तों लाइट जलने लगे। अब देखते हैं ये कितनी देर में रोबोट बनता है ये कार,
चलो वेट करते हैं। और ये बनना चालू, ये देख सकते हो कार रोबोट बनना चालू। और वाह ये देख सकते हो, ओहो वाह, और देख सकते हो यहाँ गन है, ओहो वाह ये देख सकते हो गन, और गन तो फायर कर रही है। और देख सकते हो पूरा बन गई हमारी कार रोबोट, ये देख सकते हो कितनी जबरदस्त लग रही है ये कार, ये देख सकते हो वाकई में ट्रांसफार्मर कार है ये तो, और काफी पिटी लग रही है यार ये कार तो, देख सकते हो। और इसके अंदर रोबोट देख सकते हो कितना खतरनाक है यार, काफी जबरदस्त। अब देखते हैं कितनी देर में बंद होता है ये, चलो देखते हैं। ये देख सकते हो इस बंद होना चालू हो गई कार, ये देखो दोस्तों और काफी इजीली से बंद हो रही है कार, ये देख सकते हो, ओहो वाह तेरी यार काफी प्यारी लग रही है। अरे वाह देख सकते हो कितने इजीली से बंद हो गई हमारी ये रोबोट वाली कार, देख सकते हो काफी अमेजिंग। तो आप हल्के वाली कार कैसी लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलती है प्रिंसेस की ज्योमेट्री बॉक्स, ये भी काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है। लॉक देख सकते हो काफी प्यारा है, ढक्कन ओपन करते हैं और ये ट्रांसपेरेंट इसका ढक्कन है। यहाँ देख सकते हो दोस्तों हमें एक रूलर मिलता है दोस्तों, और साथ में दोस्तों हमें गाइस इसमें मार्कर मिलता है, एक गाइस हमें गाइस इरेजर मिल जाता है, एक शार्पनर एक पेंसिल मिल जाती है प्रिंसेस की। नीचे कंपार्टमेंट है दोस्तों, हमें इसके अंदर मार्कर मिला है दोस्तों, यानी व्हाइट बोर्ड मिलेगा इस ज्योमेट्री बॉक्स में हमें 100%। तो देख सकते हो पीछे हमें व्हाइट बोर्ड मिल जाता है काफी सुंदर सा। चल साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें एक यूनिकॉर्न का कलरिंग आर्ट सेट मिलता है, जिसके अंदर दोस्तों हमें कुछ अल्फाबेट स्टिकर्स मिलते हैं, देख सकते हो 20 आइकॉनिक स्टिकर मिलेंगे दोस्तों और 5 कलरिंग सीट मिलेंगे। तो देखते हैं कैसे कलरिंग सीट मिलते हैं और कैसे इसके अंदर स्टिकर मिलते हैं और कैसे गाइस हमें कलर मिलते हैं। तो निकाल लेते हैं बॉक्स से दोस्तों सेट को, तो ये देख सकते हो सेट को निकाल लिया हमने काफी इजीली से दोस्तों, और इस वाले कवर को भी हटाते हो तो यहाँ देख सकते हो गाइस हमें गाइस मिलते हैं मिनी स्केच पेन मिल जाते हैं, साथ ही दोस्तों हमें कलर पेंसिल मिल जाते हैं। और ये देख सकते हो गाइस इसके अंदर गाइस हमें कलरिंग सीट मिली, और देखते हैं दोस्तों इन सीट पे दोस्तों किस तरह डिजाइन मिलते हैं हमें, ये देख सकते हो पहला डिजाइन सेकंड डिजाइन थर्ड डिजाइन और ये फोर्थ डिजाइन और ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ डिजाइन, ये देख सकते हो ये 6 डिजाइन मिले हैं। ये देख सकते हो गाइस हमें अल्फाबेट के स्टिकर मिल जाते हैं इसके अंदर, ये देख सकते हो। और ये देखो दोस्तों हमें यूनिकॉर्न के स्टिकर मिलते हैं, ये देख सकते हो कितने पिटी है कितने अमेजिंग है। और ये देखो दोस्तों कितने सारे स्टिकर मिलते हैं, आपको एक स्टिकर हटा के भी दिखाता हूँ। तो ये दिल वाला स्टिकर है, इस स्टिकर को हटाया और फिर हम इसे कहीं पे भी चिपका लेंगे काफी इजीली से, ये देख सकते हो स्टिकर काफी जबरदस्त से काफी अमेजिंग से दोस्तों। चल साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक छोटा भीम की ज्योमेट्री बॉक्स, ये देख सकते हो काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है काफी सुंदर है। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन किया, एक कंपार्टमेंट है और इस कंपार्टमेंट में दो सेक्शन है, और एक सेक्शन में दोस्तों हमें 1 2 3 4 5 पेंसिल लॉक भी मिल जाता है दोस्तों। इसके अंदर मार्कर मिला यानी व्हाइट बोर्ड भी मिलेगा इस ज्योमेट्री बॉक्स में, व्हाइट बोर्ड कहां मिलेगा चलो देखते हैं। उससे पहले तो इसका ढक्कन ओपन किया, एक कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट में काफी अच्छा स्पेस, और यहां देख सकते हो गाइस हमें एक स्पीकर मिलता है, और स्पीकर का यूज देखते हैं क्या है। तो इसका यूज कैसे यूज होगा, तो यहां दोस्तों मुझे कुछ दिख रहा है, इसे ओपन किया तो ये देखो दोस्तों हमें इसके अंदर मिलता है एक वर्ड पैड, ये देखो दोस्तों ये तो काफी जबरदस्त काफी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों हमें व्हाइट बोर्ड मिल गया दोस्तों। यहां हमें कुछ बटन मिल जाते हैं, इन बटन की सहायता से दोस्तों ये म्यूजिक वर्क करेगा। तो इसमें पहले दोस्तों इसके अंदर सेल डालना पड़ेगा यानी बैटरी डालनी पड़ेगी, फिर ये म्यूजिक वर्क करेगा। तो ये छोटा भीम की ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी लंबी ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें ये कैसी ज्योमेट्री बॉक्स मिली, और इस ज्योमेट्री बॉक्स पे तो दोस्तों हमें ब्लॉक्स मिलते हैं, ये देखो दोस्तों ब्लॉक्स मिले। चलो ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है इसके अंदर। तो इस कवर हटाया, तो कवर हटाते इसके अंदर ये देखो दोस्तों ब्लॉक्स मिले, ब्लॉक्स की सहायता से हम इसके ढक्कन पे कुछ भी डिजाइन बना सकते हैं और अपना नाम भी लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, ये देख सकते हो काफी अमेजिंग। और यहां देख सकते हो एक सेक्शन में एक कंपार्टमेंट में हमें 3 सेक्शन मिलते हैं, और एक सेक्शन में दोस्तों हमें पेंसिल लॉक मिल जाते हैं और काफी सारे ब्लॉक्स मिल जाते हैं। और इस वाले सेक्शन में दोस्तों हम कुछ भी अपना स्टेशनरी आइटम रख सकते हैं, और इस वाले सेक्शन में भी दोस्तों हम अपना कुछ भी स्टेशनरी आइटम रख सकते हैं, काफी अमेजिंग है। सबसे अच्छा तो दोस्तों मुझे ये लगा हम इन ब्लॉक्स की सहायता से इस पे डिजाइन बना सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं और काफी अच्छा टाइम पास भी कर सकते हैं। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलती है प्रिंसेस की ज्योमेट्री बॉक्स, ये भी काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है, और इसका लॉक देखो दोस्तों कितना जबरदस्त लॉक है। लॉक क्या है, 3 और 4 है, 3 और 4 को सेट कर लेते हैं, फिर बटन को दबाया तो बटन दबाते ही गाइस एक सेक्शन है, इस सेक्शन में दोस्तों हमें पेंसिल लॉक मिल जाता है काफी अच्छा। इसे बंद करते हैं तो नीचे वाले ढक्कन को ओपन करते हैं, नीचे वाले ढक्कन को ओपन किया, काफी अच्छा स्पेस है इसमें भी दोस्तों, हमारे काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। और इसमें दोस्तों हमें मिलते हैं 2-2 शार्पनर, ये देख सकते हो एक छोटा शार्पनर एक बड़ा शार्पनर मिल जाता है, काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी सुंदर है दोस्तों। चल साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों बॉक्स में क्या मिलता है। तो बॉक्स हो गया खाली, इस बॉक्स में तो आज हमें एक से बढ़कर एक स्टेशनरी आइटम मिली, और एक तो गाइस हमें मिली हल्क की कार जो काफी अमेजिंग कार थी। तो आज का आपको कलेक्शन कैसा लगा दोस्तों, और आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना वीडियो को लाइक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो साथ अच्छे कलेक्शन के साथ अच्छे से अनबॉक्सिंग के साथ। जब तक बाय बाय दोस्तों।